इस वक्त की बड़ी खबर, देश के दमदार धावक व अपनी उपलब्धियों से दुनिया में भारत का नाम करने वाले एथलीट मिल्खा सिंह का शुक्रवार देर रात निधन हो गया। कुछ दिन पहले कोरोना नेगेटिव आए थे मिल्खा सिंह, अचानक तबीयत बिगड़ने पर चंडीगढ़ के अस्पताल में भर्ती थे। 91 साल की उम्र में जिंदगी की जंग हार गए मिल्खा सिंह। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हमने महान खिलाड़ी खो दिया है। इसी के साथ ही आपको ये भी बता दें, कोरोना से ठीक होने के बाद, कोरोना से जूझने के बाद फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह जिंदगी की जंग हार गए। इसी हफ्ते उनकी पत्नी निर्मल मिल्खा सिंह का भी देहांत कोरोना की वजह से ही हो गया था। मिल्खा सिंह ने 91 साल में अपनी अंतिम सांस ली है। वहीं निर्मल मिल्खा सिंह भी 85 वर्ष की थी जब उनका देहांत हुआ। बीते दिनों ही मिल्खा सिंह कोरोना नेगेटिव हुए थे, लेकिन अचानक से उनकी तबीयत नाजुक होने लगी। इसके बाद उन्हें चंडीगढ़ के पीजीआई अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां उनकी मौत हो गई। मिल्खा सिंह का अंतिम संस्कार आज शाम 5 बजे चंडीगढ़ के सेक्टर 25 में स्थित शमशान घाट में किया जाएगा। अंतिम दर्शन के लिए आज 3 बजे उनका पार्थिव शरीर उनके सेक्टर 8 में स्थित घर पर रखा जाएगा। ऐसी ही और बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए आप SMZ News India के साथ।